दो तीन बात हम आपसे कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये है, जो हमारे साथी हैं, पांच साथी जो अंदर गए हैं, वो किसी पर्सनल काम मत से नहीं जा रहे। उनका कोई घर का झगड़ा नहीं था, ना उनका खेत का झगड़ा था। वह भीतर गए किसान की लड़ाई के लिए, किसान के बच्चों के भविष्य के लिए, किसान की जमीन को बचाने के लिए। अगर वो किसान के लिए गए हैं तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है कि उनको बाहर करवाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बढ़ती है। एक बार हाथ उठा के समर्थन करो कि जब तक वह बाहर नहीं लकड़ेंगे तब तक ये माइट नहीं उठेंगे। और देख भाई, आ हटा के समर्थन करो भाई। जिंदाबाद, जिंदाबाद। दूसरी बात ये है, हमने जो मीटिंग के अंदर बातचीत करी, भाई आपके डीसी को एसपी को तुरंत प्रभाव से तब्दील किया गया, बदला गया, और सरकार ने इनके कान भर रखे हैं, इनका थापी मार रखी है। अगर डीसी ने कमिश्नर बना दूंगा, एसपी ने डीसी बना दूंगा, समझे आप बात में? इसलिए थोड़ा हाथ जोर फालतू लागेगा, लादोगे। जितनी संख्या आज है उससे दुगनी संख्या तड़के कर दोगे, कर दोगे तो एसपी ने डीएसपी आप ही बना जाएंगे। नगे कर दे, रतरा चल पे, चल तो पे ही है सारे। जो डल्लेवाल जी ने आपको सूत्र बताया जीत का, वो एक के सूत्र है। यहाँ धरने के ऊपर जितनी ज्यादा संख्या बढ़ाओगे उतनी जल्दी आपकी जीत निश्चित होगी। कम जान के ज्यादा आएंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, पूरे के पूरे गांव उठ के आओ सुबह रात, काम में मुनादी करवा दो, घर के साथ बच्चा बच्चा यहाँ आना चाहिए। और इसके साथ जो शिक्षा का प्रशासन है, इसको ये पता लगना चाहिए कि सुत्या शेर ठा दिया, सुत्या शेर। ये जो प्रशासन बातचीत नहीं करेगा, आपको बुलाएगा, बातचीत करेगा, आपके बच्चों को लिया करेगा। दूसरी बात साथियों, भाई बेटी जी बता, दूसरी बात ये है, ये अपने ऊपर लागे मनसा ये मुक्त में दर्ज करण, ये पुलिस वाले भाई एसपी डीएसपी सारे, हमने ये कहा था कि भाई राजद्रोह कुकर बने तू बता दे, एक बात नहीं बता पाया। हमने ये कहा कि एक बार यह वीडियो दिखा दे किसका हाथ में डरा था, वह वीडियो नहीं दिखा पाया। एसपी साहब ने कहा 24 आदमी निशानदेही करी है, फिर हमने मुफ्त में नाम दर्ज करे हैं। हमने ये कहा कि उन 24 आमों से दिखा दे किसे का हाथ में डरा हो, प्रहलाद सिंह बहादुर खेड़ा का हाथ में दिखा दे, एक गुरुचरण सिंह है आपका, अनेक बुढ़ा हरचरण सिंह, एक बुजुर्ग है 70-75 साल का, मैं इसका हाथ में दिखा दे, इनके पास कोई सबूत नहीं, इनके पास मुकदमे का कोई आधार नहीं। एक के आधार है खट्टर ने कह रखी है मुकदमे। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक भाई बाहर नहीं आ जाते, इतना कम से कम सिरसा जिले के गांव में, भाई ध्यान से सुनियो मेरी बात ने, इतना कम से कम सिरसा जिले के गांव में कोई खाकी वर्दी वाला नहीं बनना चाहिए। जिंदाबाद। जो काम कर दोगे कर जाएंगे, सारे बन ठंडे भाई के बाद बंदी बेचा तन पलवान था। साथियों, ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा, 16 तारीख ने सार में लाठी मारी थी, मारे मेरे पास गई पुलिस, फिर हमने क्या कराया, टाटा के अंदर, मसूदपुर के अंदर,
कम से कम 85 गांवों में हमने लॉकडाउन को तोड़ दिया। वहां जब पुलिस गई गांव के अंदर, गांव वाले पुलिस के साथ में भाग लिए, कोई भी पुलिस का अधिकारी, कोई भी पुलिस का कर्मचारी गांव में भरन खातर तरसन लग गया। जब वहां के एसपी ने हमें बुलाया और हमसे बातचीत करी, वो बोला ये तो मुकदमे रहेंगे। मैं बोला मुकदमे रख लो, लेकिन एक बात ने ध्यान से सुन लियो, जय ये गम्मा रे नुए विरोध करी गए, 85 गम्मा में तारा विरोध हो गया, 310 गांव है, सारा जिला में विरोध करावांगे। फिर एक बात का विचार कर लियो, तमी एसपी किसके रहोगे, रह जाएंगे किसे के एसपी? अगर डीसी को गामा में भरना बंद कर दिया, एसपी को, फॉरेस्ट को, तो एसपी रह गया किसी का? अगर इस प्रकार से प्रशासन हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज करेगा, हमारे विश्वास को तोड़ेगा, तो निश्चित तौर पर हम इनको गामा में नहीं घुसने देंगे किसी भी सूरत में। चाहे वो बिजली के कर्मचारी छापे मारते हो, चाहे पुलिस के कर्मचारी हमारे भाइयों को उठाने के लिए आए, और मैं तो उन्हें इतने तो बढ़ने ना दो, चाहे वो किमे का नाम दो, जब तक हमारे भाई भीतर हैं। इनका पक्का इलाज करना पड़ेगा, पक्का दादा भाई इलाज। घर का आगे तो शेर साए गांव में बढ़ सके नहीं बढ़ सकते मैं। एक तो ये हो, जब तक ये नहीं हो जाता इन गांव में नहीं घुसने चाहिए कितने भी, ना ये बिजली के कर्मचारी बढ़ने चाहिए, ना ये पुलिस वाले कर्मचारी बढ़ने चाहिए। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। दूसरी बात ये साथियों,